मौका दिया, आवाज आ रही है जी। जरा सा अगर आप आवाज बुलंद कर सकें या माइक के पास आ जाए। मैं तो आ तो रही है मगर थोड़ी सी अगर सब लोगों को सुनाई नहीं देगी सर जी। मैं दो बातों की माजरत चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं इंग्लिश से बाहर हूँ और एक बैन अकवामी मीटिंग है जिसमें जिससे मैं उठकर आया हूँ तो। और दूसरी बात यह कि मेरे गले की तकलीफ की वजह से मेरी आवाज जरा बदली हुई है तो पता नहीं आप हजरात को सुनने में कोई दुश्वारी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बुलंद आवाज से आपसे बात करूं। जरा आप मुझे बता दें कि आवाज सुनने में आ रही है या नहीं। अब बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी आवाज आ रही है। ये बात अच्छा। देखिए इस फैसले के बारे में जो 6 फरवरी का फैसला था और जो मेरे लसानी केस का फैसला आपके सामने है जी। इस वक्त मेरे सामने मैं क्योंकि बाहर हूँ ज्यादा सारे कागजात मेरे पास नहीं है लेकिन लेकिन फैसले दोनों मैंने पढ़े हैं और उसके ऊपर अच्छी तरह गौर किया है और दोनों फैसलों के बारे में हमने एक मुफस्सल तहरीर भेजी है। एक तो वो थी जो 6 फरवरी के फैसले से मुताल्लिक थी वो आप हजरात को पहले ही पहुंच चुकी थी। आपने उसका नजरसानी के फैसले में भी हवाला दिया है और दूसरी तहरीर जो नजरसानी के फैसले में जो आप हजरात ने फैसला दिया उसके ऊपर एक मुफस्सल तबसरा वो मैंने और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब वगैरह ने लिख कर दिया था। वो शायद तो हुआ लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा था। मैंने जिन साहब ने आज वीडियो लिंक पर खिताब करने के बारे में मुझसे जिक्र किया तो मैंने उनको भेज दिया था कि वो अदालत में पेश कर दें कि इस नजरसानी के फैसले से मुतालिक जो कुछ हमें इश्कालात हैं या जो उसमें हमारे लिहाज से उसमें जो गलतियां हुई हैं उसकी तफसील उस तबसरे के अंदर मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि वो आप तक पहुंची है या नहीं। वो मंगवा लेंगे मेरे सामने तो नहीं है मगर आप से हम अगर सुन लें क्योंकि कभी कभी पढ़ने में फिर गलती हो जाएगी। बेहतर है कि हम चाह रहे थे कि डायरेक्टली आपसे सुने आप सबसे क्योंकि क्योंकि पहले भी तो हमने मंगवाए थे फिर हो सकता है हमारी समझ में गलती हो। आप जब कुछ बात करेंगे तो हो सकता है उससे हम आप मजीद वजाहत ले लें। ठीक है तो अगर आप हमें अगर आपको याद है चीदा चीदा बातें उसमें से या तमाम बातें तो हम उसको उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है जी। उसमें पहली बात तो यह है कि हमने ये गुजारिश की थी कि जब नजरसानी के लिए इस केस को मंजूर कर लिया गया और उस मंजूर करने के बाद आपने तम बहुत से लोगों को नोटिस दिए और उनसे कहा कि वो अपनी आरा लिख कर भेजें या खुद पेश हों तो उसमें मुतअद्दिद अतराफ से आपके पास जवाब आए। उनमें हमारा वो जवाब भी था जिस पर शायद 5 या 7 हजरात के दस्तखत थे। उसमें जो जो निकात उठाए गए थे नजरसानी के वक्त में जरूरी था कि उन सारे निकात को एक एक करके जिक्र करके उसके अंदर अगर कोई निकात में कोई गलती थी या एतराज़ वो दुरुस्त नहीं था तो उसके ऊपर बहस की जाती। लेकिन अफसोस है कि वो सारे निकात आप हजरात तक पहुंचे। आपने उसका बहुत ही सरसरी जिक्र किया और सरसरी जिक्र करके उस उन बातों का जो दलाइल उसमें दिए गए थे उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब किसी शख्स को आप तलब करें और वो अपनी राय पेश करें जो मुकदमे के अहम मसाइल पर मुश्तमिल हो तो फैसले में ज़रूरी होता है कि उन तमाम निकात को और उन तमाम दलाइल को मुफस्सल ज़ेर बहस लाया जाए और मुफस्सल ज़ेर बहस लाया जाकर उसको बताया जाए कि इसमें जो तबसरा किया जा रहा है वो उसका कैसा सही है या गलत है। मिसाल के तौर पर सारे लोगों ने सिवाय एक ये आपसे अर्ज किया था कि 6 फरवरी के फैसले में आपने जो आयात करीमा दर्ज की थी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फैसलों में कुरान सुन्नत के हवाले देते हैं ये हमारे लिए एक अच्छी बात है
लेकिन जब कुरान करीम की आयात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है तो वो अल्लाह बचाए तहरीफ तक बात पहुंच जाती है। तो इस मुकदमे के तनाजुर में जो बारक सानी के केस में हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है, और कोई भी आदमी जब उसको पढ़ेगा उन आयात को और उसके बाद आपका ये रिमार्क पड़ेगा कि अगर ये आयात जहन में होती और आइन की दफात मौजूद होती तो ये मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। यानी एक तरह से आप इन आयात को बुनियाद बना रहे हैं इस बात की। नहीं साहब, मैं माजरा चाहता हूँ, आप बुरा ना माने। नहीं, आपको बीच में आपको रोका, अगर जरा सी वजाहत यूं कर दूं, यकीनन हमें बहुत सारे वो मिले कागजात जिन लोगों को हमने नोटिस दी, सही है। और अगर जितने नुकात उनमें थे उन सबको अगर हम अटेंड नहीं कर पाए तो इसमें मेरी कोताही है, मगर फिर तो वो फैसला नहीं होता, वो तो एक किताब बन जाती। अब हम एक ये भी कहा जाता है कि जी बहुत लंबे हो जाते हैं फैसले, पता नहीं मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि फैसले इतने लंबे ना होंगे, कोई पढ़े नहीं, तो हम जो समझ पाए, यकीनन गलत समझे होंगे ना, इसीलिए तो आप ये दरख्वास्त दी गई है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। तो वो अगर अब हम मजीद आगे की तरफ बढ़े तो बेहतर होगा अगर आप बुनियाद बनाएं ये जो फैसला है 29 मई वाला 2024 का, क्योंकि अब तो वो पुरानी बात तो खत्म हो गई, वो इसमें जम हो गई है, तो इसमें जो आप समझते हैं नुकास हैं, गलतियां हैं या आपके इतराजात हैं जो आप लोग बेहतर समझना चाहें, तो फिर आप बराए करम आप तजावीज दीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, और अगर हमें समझ नहीं आई भाई तो हमसे सवाल पूछ लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ चलें। तो आगे को देखना चाहिए, इसलिए आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि मेरा पता नहीं सही करता हूँ गलत करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के वक्त से भी मैं जहां तक मेरी कम इल्मी है तो मैं कुरान शरीफ और हदीस मुबारक और फुकोहा का हवाला देता हूँ फैसलों में, क्योंकि हम आखिरकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, अगर दूसरे मुल्क अपने मुल्कों के हवाले देते हैं सही बात। तो हमारी जब तारीख इतनी जबरदस्त तारीख है सही। तो हम अपने हवाले बिल्कुल नहीं देते हैं, हम अपने फैसलों में अमेरिका बरतानिया भाई वहां भी करना चाहिए, मगर बहुत सारी बातें हमारे कोशिश रहती है। अब कोशिश अब इसमें यकीनन गलती भी होगी, वो शख्स सबसे बेहतर है जो कि कोई काम ना करे उसे गलती भी नहीं होगी, सही बात। मैट्रिक एग्जाम मत हो तो मैट्रिक में फेल होने का चांस ही नहीं है, सही। तो ये मैं कभी अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैं गलती से बालातर हूँ, और इसीलिए आपको जहमत दी और हम बहुत मशहूर हैं कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और उसको छोड़ करके आए हमारी रहनुमाई के लिए। तो बराए करम अगर आप 29 मई के फैसले में अगर आप हमें सिर्फ बता दें कि ये जगह गलत है, ये पैराग्राफ गलत है, तो हम अगर समझते हैं कि आपकी बात में दलाइल में हम आपसे एग्री करें। माशाल्लाह आप तो हमारे साथ रह चुके हैं, हम तो आपकी बड़ी कदर करते हैं, आप तो शरीयत कोर्ट के मेंबर भी थे, और मैं बता रहा था कि अभी वापिस शरीयत अपेलेट कोर्ट फाल हो चुकी है, तो अगर हम वहां से आगाज शुरू करें 29 मई से और आप हमारी निशानदाही के साथ साथ अपने उजर के और साथ साथ फिर अपने तजावीज भी देते जाएं तो वो हम नोट करते जाएंगे। आप बुरा ना माने, मगर वो मैं माजरा चाहता हूँ कि अगर आपके सारे नुकात जो पहले के थे वो हमने जम नहीं किए अपने फैसले में, उसका मैं कसूरवार ठहरा, मगर वो जैसे मैंने बात की वो किताब बन जाती, क्योंकि ना सिर्फ आपके थे मगर बहुत सारे और भी थे। नहीं नहीं, मैं देखिए आपकी मुश्किलात को समझता हूँ, मैं खुद गद रहा हूँ और जज के ऊपर कितना बोझ होता है फैसलों के लिखने का ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए खुद मैं भी हत्तल इम्कान कोशिश ये करता था कि बहुत ज्यादा तफसीली फैसला ना हो ताकि लोगों की समझ में आ सके। लेकिन बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें
बहुत लंबे लंबे फैसले भी लिखने पड़ जाते हैं। जब मामला कोई बहुत हसास नौयत का हो तो उसको बहुत लंबे फैसले भी लिखने पड़ते हैं। अब आपने जो नजरसानी का फैसला लिखा, इसमें जो पहला हिस्सा है ना, ये तो बड़ा काबिल इस्तकबाल है कि आपने खत्म नबूवत के दलाइल दिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। ये जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये मामला मुसलमा है तमाम मुसलमानों के दरमियान, आइन की रूह से भी, कवानीन की रूह से भी। इसके ऊपर मजीद दलाइल की जरूरत नहीं थी। जितना वक्त आपने उस पर लगाया, अगर आप उन निकात पर लगाते तो शायद ये शिकायत पैदा ना होती। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो असल हमारे लिए तजवीज की बात है, जिसकी वजह से मैं 6 फरवरी के फैसले का भी हवाला दे रहा हूँ, और ये नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आपको 29 मई से ना, मैं खत्म होता है ना, नहीं वो तो फरवरी गया, अब उसका कोई रेलिवेंस रही नहीं। आप इसमें दरखास्त आई 29 मई, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है। सही है, तो अब अगर उसकी कानूनी हैसियत नहीं है तो उस तरफ जाने की हमें जरूरत भी नहीं। बस मुझे इसका खतरा है कि वो अपनी जगह इंटैक्ट रहे वो फैसला। वो मैं वाकई वजाहत कर दूं, जब रिव्यू हो जाएगा तो फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अब हम उसको भूल जाते हैं, अब हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, यही बात कही थी जी। मोती साहब, जब 6 फरवरी का फैसले पे नजरसानी का फैसला आ गया 29 मई को, तो 6 फरवरी के फैसले का वजूद खत्म हो गया। अच्छा। और हमने निगरानी को तस्लीम कर लिया और 6 फरवरी का फैसला खत्म कर दिया। अब इस वक्त जो फील्ड में है, आप तो माशाल्लाह जज रहे इस बात को समझेंगे, अब फील्ड में 29/5/2024 का हुक्म है, अगर उसपे कोई अभाम पैदा हो रहा है जिससे आप समझते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी की, प्लीज जी। तो खैर देखिए, अब उसी पर ऐसे नहीं होता है मुनासिब, ये इखलाक की बात नहीं। आप तशरीफ रखिए, तो आप उसमें थोड़ी सी आप हमें रहनुमाई कर दें कि नजरसानी शुदा फैसले में जो जो आप समझते हैं सकम है या जिससे कोई पेचीदगी पैदा हो रही है या उसका एहतमाल है, उसकी वजाहत फरमा दे ताकि हम उसको देख सकें। उसमें जो सबसे ज्यादा संगीन बात है उस फैसले के अंदर, वो ये बात है, सभा वो पैराग्राफ पैराग्राफ 47 है शायद, मैं एक सेकंड में आपको निकाल के देता हूँ। 45 पैराग्राफ का हवाला देते रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा संगीन बात जो है वो पैराग्राफ 42 जी हाँ, 42 पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 जी। पहला वाला कौन सा बताया, पैराग्राफ नंबर 7 पैराग्राफ नंबर 7 जी। आप पहले 7 पे बता दें फिर 42 पे बता दें। 7 में वहां आपने ये फरमाया है कि वो अहमदी अपने एक निजी इदारे में तालीम दे रहे थे, जिससे आपने ये वह एज्यूम कर लिया कि ये कादियानी लोग जो हैं वो अपने निजी इदारे बना सकते हैं और उसमें तालीम और तबलीग कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 42 में आपने बाकायदा तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल करके आपने फरमाया कि ये अगर अपने मजहब की तबलीग करें तो ये उनकी एक अजीब इस्तेलाह इस्तेमाल फरमाई आपने कि उनके घर की तन्हाई में शामिल होगी। घर की तन्हाई गालिबन आपने तर्जुमा किया है उनकी प्राइवेसी का शायद, तो ये उसमें तबलीग की आपने गैर मशरूत हिदायत दी थी। गैर मशरूत के साथ आपने एक लफ्ज जरूर बढ़ाया कि कानून के मुताबिक, लेकिन आपने जो इसमें सबसे पहले बात तो यह 298C जो PPC का 298C है, उसमें दो लफ्ज अलग अलग बयान किए हैं। हमने अपने तहरीर में बात बातें की है, यानी जो जिस चीज से कादियानी हजरात को मना किया गया है वो दो हिस्सों में मुनकसिम है 298C में। एक हिस्सा है प्रीचर और प्रोपेगेट्स, एक तो यह है, फिर आ गया और इनवाइट्स अदर्स टू देयर फेथ। तो
ظاہر ہے کہ قانون میں کوئی لفظ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. تو جب اگر ہم پریچنگ کو اور پروپیگیشن کو دوسروں کے متعلق قرار دیں گے تو انوائس ادرس ٹو ہیئر فیتھ یا جملہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. لہذا اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے نہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریچنگ کر سکتے ہیں. 298C اگر آپ براہ کرم نکال لیں تو میں اس وقت میرے پاس مواد پورا موجود نہیں. میرے سامنے ہے جی, میں پڑھ لوں آپ کے لیے؟ ضرور جی, نہیں ضرور پڑھ دیں تو اچھا ہوگا. اچھا یہ میں پڑھ دیتا ہوں جی, یہ انگریزی میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. انگریزی میں پڑھے جی. اینی پرسن آف دا قائدیانی گروپ اور دا لاہوری گروپ who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words. بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پیراگراف یہ اس میں ابہام ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کہیں یہ 298C کے برعکس ہے. جی آپ کا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل, یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ صرف یعنی جو پیراگراف جو قابل اعتراض پیراگراف ہے 42 ہے نا. اگر یہ ہم ان کو وضاحت کرتے ہیں دیکھیے 42 ہے یا کچھ اور ہے, ان کلیئر کلیش ود دی ان کلیئر کلیش ود لا, یعنی یہ 298C کے بالکل مخالف ہے یہ جو آپ نے پیراگراف 47 لکھا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو پیراگراف کو وہ ختم کر دیں یا کلیریفائی کر دیں, کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ میری دیکھیے اگر بات کو مختصر کیا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 7 یہ پورا حذف کیا جائے. ٹھیک اچھا پیراگراف 42 جی اس کو مکمل حذف کیا جائے. ٹھیک. اور اس کے جو متعلقات ہیں یعنی بعض جگہ کئی جگہ اس چیز کا حوالہ آیا ہے وہ اگرچہ یعنی ضمناً آیا ہے لیکن اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے تو امید ہے کہ وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے اہم چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کی تجویز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے جناب. آپ مجھے شرمندہ نہ کریں, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. نہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, بہت شکریہ. آپ بالکل بغیر جھجھک کے ہمیں بتائیے. جی انسان غلطی کا پتلا ہے اور میں تو ماشاء اللہ یہ آپ کا ویسے بتا دیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ دو پیراگراف ہیں اور اس کے متعلقہ جو باتیں آپ نے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی وہ ختم ہو جائیں گی. اب میں ذرا سا اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اور دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دیکھیے ایک مرد آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا, اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑی بہت بڑا اہم عقیدہ ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا فیصلہ آئین پاکستان نے کیا, کس طرح اس کے وہ ترمیم دستور کے اندر کی گئی. تو اس میں ہم جب کوئی مسئلے میں الجھ گئے ہیں کہیں تو ہمیں محض ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر بات کو بے دلی سے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب نظر ثانی کریں یا کسی غلطی کی کریکشن کریں تو کھلے دل کے ساتھ کریں. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان دو پیراگراف کو حذف کرنے کے بعد ان کے متعلقات خود بخود حذف ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 49C جو آخری جو آرڈر کے کلمات ہے نا 49C جو طرح سے آپ نے پورے فیصلے کا جو آرڈر نکالا ہے
उधर आप राय क्रम अपने सामने रख लें। जी जी रखिए। 49C या जी मैंने ये हाँ 49G हुआ ना जी जी फरमाइए। अच्छा इसको मैं ये मैंने उसकी जगह एक इबारत तजवीज की है जी फरमाइए। वो ये कि जहां तक इस मसले का ताल्लुक है कि पेशेवर मुकदमे के मुल्जम पर मजमू ताजरात पाकिस्तान की दफा 295B 295C 298B 298C का इतलाक होता है या नहीं जमानत के इस मुकदमे में जबकि मुलजम का ट्रायल अभी बाकी है, हम ये मुनासिब नहीं समझते कि इस पर कोई फैसला दें क्योंकि ट्रायल कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि हमारे फैसले मुअर्रखा 6 फरवरी से मुतासिर हुए बगैर मुकदमे की कार्रवाई जारी रखे और तमाम हालात मुकदमा को सामने रखते हुए इस बात का फैसला करे कि मुलजम पर मजकूरा दफात के तहत जुर्म बनता है या नहीं, खालिस मेरिट पर इसका फैसला करे और इस तरह नजरसानी के तमाम दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती हैं। ये आप इतनी जल्दी में लिखना पाया आप ये मैं अभी इबारत भेज देंगे हमें या भेज देंगे या मैं अभी जो साहब मेरे रास्ते में है मैं उनको भेज देता हूँ। ठीक है मजीद कोई बात जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं गुजारिश है कि इस मामले को ज्यादा लटक जाए और यानी उसकी वजह से इज़्तिराब इंतशार ही पैदा हुआ। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुतालिका हजरात को बुलाया उनको सुना और उसके बाद आपने फैसला किया। अब ये आखिरी बार हो रहा है तो इस आखिरी बार में बराह करम जितने इश्कालात पैदा हुए हैं इश्काल क्या पैदा हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ वो यह है कि कादियानियों को तबलीग की इजाजत दी गई है जो 298C के बिल्कुल खराब है और दूसरी बात यह है कि आपने जो अपने फैसले में कौमी असेंबली के अंदर जो तकरीरें हुई थी उस वक्त और उसमें यह कहा गया था मैं इस पहलू को थोड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। नहीं इजाजत ही इजाजत है। अच्छा तो वो ये है कि उस असेंबली की में जो तकरीरें हुई थी उसमें यह जरूर कहा गया था कि हम इनको एक गैर मुस्लिम अकलियत करार देकर गैर मुस्लिम अकलियत के इनको हकूक देंगे। ये बात जो थी ना ये पाकिस्तान इस्लाम की तारीख के तमाम केसेस के बिल्कुल बरक्स थी। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने यहाँ में जरा आपको बुरा ना मानिए क्योंकि पार्लियामेंट में क्या हुआ अब वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। सही। मैं पार्लियामेंट को तो कोई हुक्म नहीं दे सकता हूँ कि आप ये करें या वो करें। नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बिल्कुल पार्लियामेंट में जो कहा गया वो गलत है। नहीं 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 वो नहीं मेरा काम नहीं है हमारा काम नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है मैं और बात करना चाह रहा हूँ जरा पूरी कर लूँ आप उसके बाद फिर मैं गलत समझा जी माफ कीजिए। यानी पूरी इस्लामी तारीख में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि कोई नबूवत का झूठा मुद्दई पैदा हुआ हो और उसके मुतबीन के जमात हुई हो और उसको दारुल इस्लाम में जिम्मी या गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया हो बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा जंग हुई। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे आपने तारीख पढ़ी है मुसालमा कज़्ज़ाब के साथ क्या हुआ तुलह इब्न खुवैलिद के साथ क्या हुआ बाद में जितने झूठे मुद्दई यानी नबूवत पैदा हुए उनके साथ। ये तकी उस्मानी साहब आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ अगर हम फैसले पे रहें हम पूरी इज्जत करते हैं पार्लियामेंट की भी अदालत की भी। मैं मेरी बात पूरी हो जाए तो शायद आपका इस ख्याल दूर हो जाए।
मैं कह रहा हूँ कि तारीख इस्लाम में कहीं भी किसी मुद्दई नबूवत या उसके पैरोकारों को जिम्मी की इस्तलाह के तौर पर यानी गैर मुस्लिम अकलियत के तौर पर माना नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान बाहिर मुल्क है कि उसमें यह कहा गया कि क्योंकि पाकिस्तान ये जंग के जरिए नहीं हासिल किया गया बल्कि जमहूरी तरीके पर और इंतखाबात के जरिए हासिल किया गया है, लिहाजा हम उस इस गैर मुस्लिम अकलियतों के साथ बेहतर सलूक करने के पाबंद हैं अपने उस वादे के तहत जिसके तहत हमारा पाकिस्तान बना था। लिहाजा आप देखेंगे कि शुरू से जब से कादियानियों के खिलाफ कोई तहरीक मुसलमानों की शुरू हुई है, चाहे वो उलमा की तरफ से हो या किसी और तरफ से हो, उसमें यह नहीं कहा गया कि शरीयत का असल हुक्म उन पर नाफिज किया जाए, ये जिंदीक है, बल्कि ये कहा गया कि हम इनको गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम करने को तैयार हैं। ये गोया एक तरह से रियायत दी गई कादियानियों को कि अगर वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें और गैर मुस्लिम तो हम उनको गैर मुस्लिम अकलियत के तमाम हकूक देने के लिए तैयार हैं। यही बातें पार्लियामेंट में कही गई थी और यही बातें बाद में भी दोहराई गई हैं। हमें इस पर तनकीद नहीं करनी है, हमें इनको मानना है कि हम गैर मुस्लिम अकलियत हम उनको मानने को तैयार हैं, लेकिन उस सूरत में जबकि वो खुद अपने आप को माने। अगर वो खुद गैर मुस्लिम अकलियत होकर अपना एतराफ करके अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत के तौर पर रजिस्टर कराएं और उसमें कोई ऐसी अलामत ऐसा न रखें जिससे लोगों को ये धोखा हो कि ये मुसलमानों की कोई किस्म है, तो आज भी हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए अकलियतों की सीटों में एक सीट उनकी मौजूद है, मेरा ख्याल है आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनमें एक है ना सीट अहमदियों की। जी जी होती तो थी, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, तो एक सीट उनके मौजूद है। इसी तरीके से अकलियतों के का एक बोर्ड होता है, उसके अंदर भी उनकी सीट मौजूद है। अब वो हजरात अपना जो हक आईनी है कि वो उनकी एक सीट असेंबली में है, एक सीट उनके अकलियती बोर्ड में है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उनको ये मानना पड़ेगा कि जो तरमीम आइन के अंदर हुई है वो दुरुस्त हुई है और हम उसको मानते हैं। हम अपने आप को गैर मुस्लिम अटॉर्नी जनरल साहब से मुआवनत इस पॉइंट पे कर लूं जी, और आप फरमाइए कि प्रायर टू दी 17th अमेंडमेंट आप उर्दू में फरमाइए जी, जी 17वीं तरमीम से पहले तो मखसूस की गई थी अकलियतों के लिए उनके बजट की बात कर लूं जी सर, ये कादियानियों की बात कर जी थी 2002 तक थी, आपकी असेंबली जो 97 की थी उसमें थी जी जी, एमडीओ के लिए एक सीट होती थी। अब ये है 2002 के बाद से अब वो बस गैर मुस्लिमों के लिए है, उसमें ये नहीं है कि किस अकलियत की कितनी होगी, अब वो 10 सीटें हैं वो किसी की भी हो सकती हैं, अब वो वाली तफरीक नहीं है, वो पहले थी अब नहीं है। आपने सुनिए मुफ्ती साहब, आपने सुना जी जी, मैं देखिए रही है वो अभी उन्होंने कहा वो पहले स्पेसिफिकली थी मगर 2002 के बाद स्पेसिफिकली खत्म हो गई है, अब वो जैसे बाकी गैर मुस्लिमों में वो जम हो गए, ठीक है ये है। मगर बारह अगर वो गैर मुस्लिम बनाए पार्लियामेंट, ठीक है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप को गैर मुस्लिम के तौर पर रजिस्टर करा ले अब भी, ठीक है, तो जो जो सीटें मखसूस की गई हैं गैर मुस्लिम अकलियतों के लिए, अगर वो गैर मुस्लिम अकलियत होना तस्लीम कर देते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं, तो फिर उनकी सीट हो सकती है वहां पर, अब भी हो सकती है क्योंकि उसमें किसी की तख्लीस नहीं की गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती जी, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बावजूद ये सारी बातें सारी सहूलियात, मैंने अर्ज किया था असल मतलब वो था जो सरबंसाले में कताब के साथ हुआ था, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक वादे के तहत बना है, इस वादे के तहत बनने की वजह से उलमा ने भी इस बात को यानी सवाल उठाया कि उनके खिलाफ जंग करो उनको मारो, बल्कि उन्होंने यही कहा कि इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दो और गैर मुस्लिम अकलियत करार देकर उनको जो हकूक हासिल है वो दिए जाए, और उसका मतलब यह था कि अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम करें, गैर मुस्लिम अकलियत के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, रजिस्टर करा के उनको जो अकलियत, और अलबत्ता उस रजिस्टर इस तरह कराएं कि उसमें कोई
मुसलमान का या किसी इस्लाम के शायर का या मुसलमानों के किसी लफ्ज से या किसी लोगों को धोखा न दे, बल्कि कोई अपना अलग नाम रखे, अलग उसकी इनकी इस्तराहत हो और ये तस्लीम करें कि हम गैर मुस्लिम अकलियत है। बल्कि एक मौके पर जनाब चीफ जस्टिस, मैंने एक तजवीज पेश की थी जब एक मसला आया था कि अकलियती बोर्ड शायद कोई इदारा है हमारे यहाँ, किसी वक्त उसमें ये ख्याल आया था कि किसी अहमदी को भी उसमें शरीक किया जाए, काजानी को शुरू किया जाए, तो लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। मुखालफत इसलिए की थी कि इन्होंने अपने आप को तो गैर मुस्लिम तस्लीम किया ही नहीं, लिहाजा वो उस सीट के कैसे हकदार हो सकते हैं। मैंने उस मौके पर एक तजवीज दी थी वो अपने दोस्तों से मशवरा किए बगैर, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़ी मुनसिफाना तजवीज थी, और वो ये कि हुकूमत या आप इस वक्त चीफ जस्टिस के तौर पर जो इनके सरबरा हैं मिर्जा, इस वक्त तीसरे खलीफा हैं या चौथे, उनको आप पेशकश करें कि हमारे पास अकलियती सीटें मौजूद हैं, अगर आप उससे फायदा उठाना चाहें तो बराह करम उसमें आपको गैर मुस्लिम अकलियत रजिस्टर कराएं, और मुस्लिम अकलियत रजिस्टर कराकर आप उन अकलियतों के हकूक का फायदा उठाने की कोशिश करें। अगर वो अपने आप को सिर्फ यहां पाकिस्तान में नहीं पूरे आलमी बुनियाद पर वो अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने पर राजी हो जाते हैं, तो वो जितने सारे हकूक गैर मुस्लिमों के आइन ने दिए हैं या बहसे तकलियत उनको हासिल होते हैं वो सारे हासिल होंगे, हमें उस पर कोई इश्कार नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहें कि नहीं साहब आपने तो फैसला ही गलत किया, आपका आइन गलत है, आपने हमें गैर मुस्लिम करार दिया तो हम पर जुल्म किया, तो फिर उस सूरत में जब वो इसको नहीं मानेंगे तो आइन की दी हुई वो सहूलतें जो गैर मुस्लिम अकलियतों के लिए हैं वो उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। और ये बात जहीरुद्दीन बनाम रियासत वाले फैसले में भी ये बात कही गई है, लिहाजा मैं समझ गए आपकी बात। मैं एक बात आपको जरा बता दूं, ये आपको तो यकीनन पता होगी मगर आपके पास किताब नहीं है, आइन की शिक 260 जी की जिली शिक 3 जी वो मैं पढ़ देता हूँ जी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल इनएक्टमेंट्स एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट ए मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड डज नॉट बिलीव इन और रिकग्नाइज एज अ प्रॉफिट or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad peace be upon him and b non-muslim means ye to muslim kyun ne tareef kar di aain ne and non-muslim means a person who is not a muslim and includes a person belonging to the christian hindu sikh Buddhist or Parsi community, a person of the Qaidiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name or a Baha'i and a person belonging to any of the scheduled caste. So आइन ने तो इसकी बिल्कुल वजाहत कर दी है, इसमें तो कोई दो हमारी राय क्या है, ये तो हम सब पे पाबंद हैं, क्योंकि हम हाल्फे उठाते हैं आइन पे, तो मतलब ये तो मुझ पर भी ये बिल्कुल पाबंद कर दिया सबको, बिल्कुल सही, ना सिर्फ गुजर के पूरी रियासत को, बिल्कुल सही, शहरी रहते हैं सबको पाबंद किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसको वो ये भाम की बात नहीं है क्या है, नहीं देखिए मैंने पढ़े दो शिकें पढ़ी, हाँ इसमें कोई भाम नहीं है, ये आइन में कोई भाम नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इस माना में कि कौन सी गैर मुस्लिम अकलियत को वो हकूक हासिल होंगे। मैं समझ गया आपकी बात जी, ये बात समझ गया। मजीद कोई बात है तकी साहब, क्योंकि आपको मुझे पता है आपको सेमिनार अटेंड करना है जी, और आपने हमारी रहनुमाई की, बहुत आपने बात किया, बहुत शुक्रिया जी। और कोई बात है? बस मैं ये जो आखिरी बात मैंने आपसे कही थी, आपने कहा था मैं लिख कर भेज दूं, यानी एक तो मैं 42 को हल्फ करना चाहता हूँ
और एक पैराग्राफ 17 को और सात हाँ प्रोग्राम सात वो प्रोग्राम सात जरा माफी आपने कुछ और पढ़ा हुआ हमें टेक्स्ट बताएंगे मेरी गिनती बहुत जरा कमजोर है माफी जगह तो पैराग्राफ सात और पैराग्राफ 42 इसको तो मैंने हल किया कि मुकम्मल हल किया जाए और माशाल्लाह की माशाल्लाह पूछ सकता हूँ कि उम्र क्या है या नहीं पूछ सकता नहीं जरूर पूछे इजाजत है एक ये अक्टूबर आने वाला है उसमें मेरी मिलादी यानी शमसी हिसाब से मैं 82 साल का हो जाऊंगा अच्छा चले मेरी भी सालगिरह अक्टूबर में होती है अच्छा अच्छा माशाल्लाह तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला मजीद उम्र करे और तंदुरुस्त रखे आपकी कितनी उम्र है रहनुमाई करते रहिएगा जी हम तो हाजिर है जनाब हम तो 17 साल यहाँ रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में अच्छा बस एक जरा सा अगर मैं ये अदालत के दरवाजे में हमेशा खुला रहते हैं किसी को कोई भी बात है अब देखिए दरखास्त दी हमने फौरन लगा दी कोई छुपाई नहीं कोई दबाई नहीं फौरन लगा दी बहुत अच्छा पहले भी आई थी दरखास्त आप ये जरूर आप कह सकते हैं कि फैसले पर तनकीद आपका हक है ना सिर्फ हक है बल्कि मेरे ख्याल में तो आप रहनुमाई करते हैं मगर अगर अदालत में आएंगे ये गलत होगी अब देख लेंगे उसमें गलती है नहीं है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारी रहनुमाई करवाई बस अगर कोई और बात नहीं है तो फिर मैं दूसरे नहीं बात कोई और नहीं है बात कोई और नहीं है जिस सिर्फ जो है मेरी इस वक्त की गुजारिश का वो पैराग्राफ 7 प्रोग्राम 42 और आखिरी 49G ठीक है वो मैं टैक्स आप भेजिएगा मैं आपको भेजता हूँ मैं देखिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब अगर आप कोई फैसला दें ना तो वो फैसला बराह करम पूरे दिल से दीजिए और उसमें कोई ऐसी चीज ना रहने दीजिए कि जिसकी वजह से ये समझा जाए कि ये बेदिली से बात की गई है तो ये क्या की गई बेदिली से बात की गई आप खुलकर दें अगर फर्ज करो आप दिल और दिमाग आप जैसे नहीं आप माशाल्लाह दिल और दिमाग आपने यार दिल पे नहीं मेरा मतलब यह है कि आप माशाल्लाह आपने खुद जाहिर किया कि आपको अपनी किसी गलती से एतराफ करने में कोई तामुल नहीं होता ये इतनी अच्छी सिफत है कि नहीं ये अगर मैं तो फिर गुनाहगार ठहरा अगर मैं ये कहूँ कि जी कई गलतियां ये तो आपका ये सब बात है तो मैं रोजाना यही आपसे कह रहा हूँ ये मेरी दुआ रहती है मेरे को ना जानने तौर पर पता नहीं कितनी गलतियां कर बैठते हूँ सही बात तो जब आप ये खुद आपका ये जहन है और हदीस भी मौजूद है इसके ऊपर फारूक आजम के फैसले मौजूद है इस बात के ऊपर कि भाई अगर वो इसीलिए पुराने जमाने में लोग काजी बनते नहीं थे क्या कहा गया कि वो ये तलवार के धार के बैठने के ऊपर बैठने के बराबर है ये सही है बिल्कुल आपको फिर आपको पता है कि वो मंसूर ने क्या किया जी सही है वो काजी बनने के लिए वो नहीं बनना चाह रहे थे सही बात है बिल्कुल सही वो तो खैर आप हमसे बेहतर जानते हैं वो सारे वाक्य जी जी तो मुझे भी कोई शौक ऐसे नहीं था जनाब फादर चीफ जस्टिस साहब आप सीनियर हैं मैं तो बहुत जूनियर आपसे इस लिहाज से हूँ जूनियर आप हमारे बुजुर्ग हैं मैं आपसे बहुत कम उम्र हूँ अच्छा तो मैं भी और उम्र में भी तो मैं ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप माशाल्लाह इतने खुले दिल के आदमी हैं कि हर गलती तस्लीम करने को तैयार है और यही बड़े आदमी की अलामत होती है कि बड़ी से बड़ी गलती करो नहीं हूँ मगर मैं गलती का पुतला हूँ एतराफ करने में कोई तो लिहाजा अगर मेरी गुजारिश जो है कि 49 वाली जो आपका आखिरी जो कंक्लूडिंग ऑर्डर मुझे आप वो जरा आपने लंबी बात की मुझे मैं अभी भेज देता हूँ उस पर आप जरूर गौर फरमाइएगा तो उससे सारा एतराफ खत्म हो जाएगा ठीक है इंशाल्लाह मैं आपकी बात गौर करेंगे हम जी जरूर मैं इनको जो मुझसे रबते हुए थे रतफर इकबाल साहब मैं उनको भेज रहा मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया उनको फॉरवर्ड कर दें वो हमें प्रिंट आउट दे देंगे मैं फौरन भेज देता हूँ मगर बराए करम उसको देखेंगे जरूर उस पर गौर जरूर कीजिएगा जी जरूर देखेंगे इंशाल्लाह आपको जहमत दी है इसीलिए इसलिए तो नहीं बुलाया कि बगैर गौर किए एक दफा फिर मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वक्त निकाला और यकीनन आपको कुछ दुश्वारी हुई होगी आने में इधर और लेकिन देखिए एड्रेस करने में मैं यहाँ इंटरनेशनल
कॉन्फ्रेंस है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ उनसे। कौन सी कॉन्फ्रेंस है? यह हमारी एक कॉन्फ्रेंस है शरिया काउंसिल फॉर द इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार कर रही है इस्लामिक फाइनेंस के, तो उस स्टैंडर्ड्स का तैयार करने में 20 मुल्कों के उलमा उसमें शरीक है और ये 30 साल से कर रही है। उसके ऊपर ये समझे कि तकरीबन 2000 सफात की स्टैंडर्ड्स सारे इस्लामिक बैंक्स के लिए कि वो किस तरह काम करेंगे वो तैयार किए गए हैं और क्या किया जा रहे हैं। बहुत ही दीदा रेजी का काम है, तो वो उसको मैं चेयर करता हूँ। तो वो कभी कहीं कौन से शहर में आप? मैं इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूँ, तुर्की में। इस्तांबुल में? अच्छा ठीक ठीक या तो मैं फिर आपका शुक्रिया। नहीं जनाब, शुक्रिया आपका कि आपने आपने इस काबिल समझा कि इस मौजू के ऊपर आपके साथ शर्मिंदा मत करें हमें। इंतजार कर रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।